अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, जो SEC ने जो कल फैसला आया रिपल का, रिपल के हक में आया, जज ने फैसला दिया है। ये एक ट्वीट है, SEC गवर्नमेंट एंड गैरी गेंसलर क्लेम दैट 80-year-old सिक्योरिटीज लॉज अप्लाई टू द क्रिप्टो। द जज टुडे सेड दे डू नॉट। व्यूअर्स, यही बात तो मैं आपको पिछले कई वीडियोज से करता आ रहा हूँ, पिछले एक महीने से, ये पुराना कानून नहीं लागू होता और जज ने भी बिल्कुल वही बात कर दी है। ये टाइलर विंकलवास जो कि जेमिनाई के को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि जज ने इस तरह की बात की है। एंड जज ने जो बात की है ये मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। ये देखिए मेरी पिछली वीडियोस, पुरानी वीडियोस में अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं माइक इसके करीब कर देता हूँ स्पीकर के। मसला ये है कि USA का एक लॉ है, SEC का, आई थिंक 1930s एंड 40s का, जो गैरी गेंसलर हैं जो कि SEC के हेड हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक रियल कॉमोडिटी है, एक रियल क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सब सिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन जो उन्होंने लिस्ट जारी की है SEC ने, उन कॉइन्स के जो फाउंडर हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे ये कॉइन्स सिक्योरिटीज़ नहीं हैं, बल्कि ये रियल कॉमोडिटीज़ हैं, रियल क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि SEC बहुत पुराने लॉ की बात कर रहा है, वो है 1930s, आई थिंक 33 या 40s का लॉ है, और जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। तो अब सारा फड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है कि वो SEC पुराना कानून लागू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर मसला ये है कि या तो नया लॉ बनाना पड़ेगा, और या तो जो ये कॉइन्स जो लिस्ट जारी हुई है उनको अपने आप को एज ए सिक्योरिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको फुल लिस्ट दिखा दूँ, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें लिस्ट ये हुआ, नीचे आएंगे हम यहाँ पर SEC सूज बाइनांस एंड कॉइनबेस। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, किधर गई, ये देखें, कॉस्मोस, एटम, बाइनांस, BNB, BUSD। ओके व्यूअर्स, आगे वही लिस्ट है, वही कॉइन्स है जो बताए गए हैं। मैं ये वीडियो में मैं दोबारा इसलिए मैं प्ले किया है, मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यही तो बात कर रहा हूँ पिछले एक डेढ़ महीने से कि भाई पुराना लॉ लागू नहीं हो सकता, और जज ने बिल्कुल वही बात की है रिपल के हक में जो फैसला आया, ठीक है। एंड व्यूअर्स देखें, इफ XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी, देन इथेरियम इज नॉट अ सिक्योरिटी, BNB इज नॉट अ सिक्योरिटी, ADA इज नॉट अ सिक्योरिटी, सोलाना, मैटिक, एटम, फॉइल, ICP, जो इस वीडियो में जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, ये देखें ये तमाम लिस्ट, ठीक है ना। ये मैंने वीडियो आज से एक महीने पहले बनाई थी जब SEC ने रोलर डाला था गैरी गेंसलर ने, ये वो वाली वीडियो है। अब अगर रिपल सिक्योरिटी नहीं है तो फिर इनमें से कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है भाई, दे आर ऑल द क्रिप्टो करेंसीज। और आप ये वाली वीडियो मेरी सारी वॉच कर लें, मैंने इस वीडियो में कहा था आपको कि दे आर द क्रिप्टो करेंसीज, ये शॉर्ट टर्म ड्रॉप है। मैंने इस वीडियो में, ये वीडियो एक बड़ा सबूत है, मैंने इसमें बताया था। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ना, ताकि जो भी वीडियोज़ इस तरह की मैं अपडेट देता रहूँ। जारी बात है, मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पिछले वीडियो से लिंक होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस नजर आए। पीछे मैं क्या कहता आ रहा हूँ सेम वही हो रहा है, ठीक है ना। ये तमाम दे आर द रियल क्रिप्टो करेंसीज। तो ये अब जो फैसला आया उसकी वजह से मार्केट बहुत पंप कर रही है। अब इनको, पुरानी न्यूज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ, मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, ठीक है। अब आगे देखें, ब्रेकिंग, क्राकेन एक्सचेंज रीलिस्टेड। दुनिया की तमाम बड़ी एक्सचेंजेस रीलिस्ट कर रही हैं XRP को, क्राकेन ने रीलिस्ट कर दिया था। SEC शुड बी सूड फॉर व्हाट दे डू टू द प्राइसेस एंड द लॉसेस दे कॉज। व्यूअर्स, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये जो गैरी गेंसलर और SEC ने जो हरकतें की हैं पिछले चंद महीनों में, और ये रिपल का केस था, सोलाना और सबको इन्होंने, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है, ठीक है ना, वीडियो में, तो इसकी वजह से कितने लोगों का लॉस हुआ है, ठीक है ना, कितने लोगों को लिक्विडेट किया है। जब आपको पता ही नहीं है कानून का, पहले तो सही स्टडी कर लिया करो भाई। जज कहते हैं पुराना कानून लागू ही नहीं हो सकता, आपने अपनी तरफ से एक चवल मार दी है, आके मार्केट में आप कभी किसको केस कर रहे हो, कभी बाइनांस को केस कर रहे हो, कभी कॉइनबेस को केस कर रहे हो, कभी आप सिक्योरिटी डिक्लेयर करो, उसकी वजह से मार्केट गिरी। गरीब लोगों के, आपने जो बेचारों ने पैसा कमाया, उन्होंने ट्रेड्स लगाई थी, वो आपने लिक्विडेट कर दिया, तो ये तो आपने बड़ा गलत काम किया। तो इस पर तो बिल्कुल केस होना चाहिए ये स्क्वीड के मुताबिक, स्पेशली व्हेन दे लूज द लॉसूट्स एंड आर सुपर वैग विद द क्रिप्टो। आप केस हार गए हैं, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से कितने बेचारे लोगों का, आपने हार्ड अर्न मनी जो कि उन्होंने बेचारों ने कमाया होगा लोगों ने, वो लिक्विडेट हो चुके हैं। मेरे खुद कुछ पोजीशंस लिक्विडेट हुई थी, लेकिन खैर वो स्मॉल पोजीशंस थी, वो इतना बड़ा नहीं है। जिन्होंने अगर बिग पोजीशंस लगाई थी तो वो बेचारे तो गए। तो ये SEC का कसूर है भाई, आप इस तरह की हरकतें करते हैं। अब देखें, ये ट्वीट है, बिट स्टैम्प वेलकम टू द XRP। बिट स्टैम्प ने भी रिलिस्ट कर दिया, जैसे कि अभी आपको मैंने
बताया था कि क्राकन ने भी रिलिस्ट कर दिया, ठीक है, एक्सआरपी को। बिट स्टैम्प, बाइनांस यूएस, क्राकन, कॉइनबेस, तमाम लिस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये कॉइनबेस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वी हैव रीड जज टोरेस थॉटफुल डिसीजन, और हमने अब फैसला कर लिया कि अब हम एक्सआरपी को रिलिस्ट करने जा रहे हैं। ये देखें कॉइनबेस की तरफ से ऑफिशियल, उनके ऑफिशियल अकाउंट से रिलिस्ट कर दिया और ट्रेडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। कॉइन गेको, एक्सआरपी हैज फ्लिप्ड बीएनबी एंड नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। एंड अभी देखते हैं हम, ये देखें एक्सआरपी नंबर फोर पर आ गया है, जहाँ पर पहले बीएनबी था। बीएनबी का मार्केट कैप 39.6 बिलियन, 41.4 बिलियन। व्यूअर्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये ऊपर बीएनबी दोबारा भी ऊपर आ सकता है, ये ऊपर नीचे ये चलता रहेगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। असल जो चीज़ है वो है न्यूज़ विक्ट्री एक्सआरपी की, एंड ना सिर्फ एक्सआरपी की बल्कि पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। लुक एट दिस व्यूअर्स, लुक एट दिस, जो पंप किया है बिटकॉइन की प्राइस ने और क्रिप्टो करेंसी में, तो एक्सआरपी ने तो वाकई बहुत बड़ा पंप किया। ये वो तमाम साइडवेज मूवमेंट थे जो मैं आपको कई अर्से से बता रहा हूँ, पिछले तकरीबन आई थिंक एक महीने से मैं वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि इस तरह की साइडवेज मूवमेंट होगी। और मैंने आपको बताया था कि हम टेक्निकली थोड़ा सा बियरिश हैं, थोड़ा सा हम नीचे जा सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि आगे कुछ पता नहीं है, न्यूज़ गालिब आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस पर। एंड देखिए व्यूअर्स, टेक्निकली हमें थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था, लेकिन न्यूज़ गालिब आ गई है। और देखें ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, इससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, वापस रिजेक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिलहाल व्यूअर्स, जो मार्केट में जो न्यूज़ है वो अब भी काफ़ी असर उसका मौजूद है। इथेरियम को देखें व्यूअर्स, इथेरियम ने बहुत ज़्यादा पंप किया। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, आर्ट्स बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं, उसकी वजह है कि जो न्यूज़ आई है वो एक्सआरपी की आई है, और एक्सआरपी इज़ एन आल्ट कॉइन, और आल्ट कॉइन को एक्सआरपी को जब उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी नहीं है तो तमाम आल्ट कॉइन्स पंप कर रही हैं। लुक एट दिस व्यूअर्स, इथेरियम ने बहुत बड़ा पंप किया, बिटकॉइन ने पंप किया, लेकिन इथेरियम ने बहुत बड़ा पंप किया। लेकिन व्यूअर्स एक रेड सिग्नल है यहाँ पर, लुक एट द आरएसआई, ठीक है ना। यहाँ पर देखें हायर हाईज बन रहे हैं, एंड लुक एट द आरएसआई, यहाँ पर एक लोअर हाई बन गया है, अनदर लोअर हाई, तो एक बियरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रा बुलिश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एसईसी एंड गैरी गेंसलर रिफ्यूज टू राइट क्लियर रूल्स फॉर द क्रिप्टो, अ जज जस्ट इट फॉर देम। वही बात दोबारा वही आ गई, ठीक है ना। इन जज ने आपको बता दिया कि भाई आपको रूल्स का नहीं पता सही, ठीक है। हाँ, तो जज ने दोबारा उसको बता दिया है कि पुराना कानून लागू नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। कॉइन मार्केट कैप भी हमने देख लिया, बिटकॉइन पंप कर रही है व्यूअर्स, तमाम क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है, एंड दिस इज़ द रिपल्स चार्ट, लुक एट दिस व्यूअर्स, 100% तक पंप किया है। रिपल की प्राइस यहाँ तक आई थी, ठीक है, बिटकॉइन रिपल की प्राइस यहाँ तक आई थी, देखें कहाँ तक आई थी, 94 सेंट तक। अब वापस 78 सेंट पर है, लेकिन बहुत बड़ा पंप है। जारी बात है, सबसे ज़्यादा पंप इस ये जो कल से पंप आया था, सबसे ज़्यादा पंप रिपल ने किया, एक्सआरपी ने एंड एक्सएलएम ने किया। एक्सएलएम कॉइन ने भी इसलिए पंप किया क्योंकि वो भी इसका हार्ड फोर्क है, ठीक है, रिपल का हार्ड फोर्क है, इसलिए एक्सएलएम ने पंप किया। तो व्यूअर्स ये थी न्यूज़, एक्सआरपी की वजह से तमाम मार्केट पंप कर रही है, गुड फॉर द क्रिप्टो। व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं आप, बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको पीछे जो बातें बताता आ रहा हूँ तो आगे सच साबित हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एसईसी का 1930 और 1940 के ज़माने का पुराना कानून आज की नई टेक्नोलॉजी पर लागू नहीं होता। ये क्रिप्टो करेंसी है भाई, इट्स क्रिप्टो करेंसी, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, आप पुराना कानून इस पर लागू नहीं कर सकते। तो रिपल की प्राइस व्यूअर्स अभी ये जो पंप कर रही है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो पंप है ये कुछ भी नहीं है, ये प्राइस $1 से भी ऊपर जा सकती है, $2 तक भी जा सकती है, $3 तक भी जा सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, $1 से ऊपर जाना तो बिल्कुल वाकई अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आज ही थोड़ी सी ऊपर चली जाए, कल तक चली जाए। बाकी रही बात $2, $3, तो वो अभी इतना जल्दी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स लगे, ठीक है ना। लेकिन $1 तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स अ गेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।